एसबीआई बैंक के कर्मचारियों ने शुक्रवार को यूनाइटेड फोरम के बैनर तले बैंक रोड स्थित मुख्य शाखा पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में लखनऊ हेडक्वार्टर के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एसपी त्रिपाठी ने बताया कि उनका धरना प्रदर्शन 5 डेज बैंकिंग सहित अन्य मांगों को लेकर के है। यूनाइटेड फोरम के बैनर तले इंडिया के सभी बैंक कर्मी 30 जनवरी से 31 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। जो हमारी मांगे हैं उस पर सरकार विचार नहीं कर रही है और आईबीए किससे हमारी बात हो रही है। हमारी बात बार बार विफल होने के कारण हमारे 5 डेज बैंकिंग और पुराने पेंशन बहाली के संबंध में वेतन के प्री निरीक्षण के मांग हम कर रहे हैं और लगातार आईबीए से बात करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम हड़ताल कर रहे हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, जिससे हमारी यूनाइटेड फोरम के सारे कर्मी हड़ताल पर आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सड़क पर हम जुलूस भी निकालेंगे और जुलूस के साथ ही प्रदर्शन भी करेंगे। यदि 30 और 31 जनवरी से पहले हमारी बात होने से हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं, तब तो यह हड़ताल रुकेगी, और अगर इनसे बात नहीं हो पाती है और सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है, हम लोग आगे की रणनीति तैयार कर बड़ा आंदोलन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए लखनऊ हेडक्वार्टर के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी एसपी त्रिपाठी व यूनाइटेड फोरम के कन्वीनर यूपीएन सिंह ने कहा है, आगे और लड़ाई है। ये तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हाथ दो, अनेक है। हाथ दो, अनेक है। हमारी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे है। फॉर फॉर मार्च ऑन, मार्च ऑन, मार्च ऑन। और लीडरशिप मार्च, अरे आइए आप लोग, अपनी मांगे लेके रहेंगे, लड़ाई है, अपनी मांगे पूरी हो। आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद फोरम, जिंदाबाद फोरम, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्द करो, फाइव डेज बैंकिंग जल्द करो, फाइव डेज बैंकिंग जल्द करो, जल्द करो, जल्द करो। आवाज दो, आवाज दो, एसपी त्रिपाठी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया स्टाफ फेडरेशन कॉर्पोरेशन पर हेडक्वार्टर लखनऊ। बरसात प्रदर्शन हम लोगों का जो है 5 डेज बैंकिंग के बारे में जो है यूनाइटेड फोरम बैनर के तले आज सभी ऑल इंडिया के बैंक कर्मी जो है हम लोग 30 और 31 को हड़ताल पर रहेंगे। कुछ हमारे पेंडिंग मांगे हैं जिस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। आईबीए से वार्ता हो रही है और वार्ता बार बार विफल होने के नाते हमारे जैसे 5 डेज बैंकिंग है, पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में है और वेतन का पूरी निरीक्षण के संबंध में हम लोग मांग कर रहे हैं, उस पर जो है आईबीए की सहमति नहीं बन पा रही है। वार्ता हमारी बार बार विफल हो रही है, उसके नाते मजबूर होकर के हम लोगों का जो अंतिम से तो हड़ताल होता है, स्ट्राइक पे हम लोग आए हुए हैं और 31 को स्ट्राइक हो गए। अभी बीच में कुछ धरना प्रदर्शन कार्यक्रम है, इसको हम लोग सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें यूनाइटेड फोरम के सारे बैंक कर्मी हमारे यूनाइटेड फोरम बैनर के तले जो है स्ट्राइक के लिए जो है आएंगे और सड़क पर उतरेंगे और सड़क पर हम लोग जुलूस निकालेंगे, जुलूस के साथ प्रदर्शन करेंगे। 31 के हड़ताल के पहले अगर कुछ वार्ता हो जाती है तो हमारा स्ट्राइक रुकेगा। अगर आईबीए अपने हथौड़े पर नहीं मानती है, वार्ता नहीं करती है, तो इसके लिए हम लोग आगे भी लड़ाई तैयार करके जो है फेडरेशन के काल पे आगे जा सकते हैं। मेरा नाम यूपीएल सिंह, कन्वेनर यूनाइटेड फोरम गोरखपुर इकाई। धरना प्रदर्शन पूरे देश लेवल पर हो रहा है और आईबीए से संगठन ने बात करना चाहा, बाकी आईबीए अपने हिसाब से उसको साइड करके बात नहीं कर रही है।
और हमारे जो प्रमुख एजेंडे है कि 5G बैंकिंग बैंकों में लागू किया जाए, पेंशन अपडेशन लागू किया जाए और जितने पेंडिंग इश्यू है उसको रिजॉल्व किया जाए और नई पेंशन योजना रद्द करके पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाए और बैंकों में पर्याप्त भर्ती किया जाए और जो यह बाइपार्टाइट हमारा बिल है इसको बाइपार्टाइट किया जाए। ये इसको लेकर के आज से लगातार संघर्ष कार्यक्रम है और 30-31 दो दिन देशव्यापी बैंकों में हड़ताल है जिसमें बैंक के सभी संगठन इन्वॉल्व है और पूरे देश स्तर पर तालाबंदी रहेगी और बैंक का काम का पूरा प्रभावित रहेगा।